तो बच्चे कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बेस है अबनॉर्मल लॉस पर, जब कोई लॉस हो जाता है कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स रखे हैं और वहां पर कुछ लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इस पर बेस्ड हमने लास्ट क्लास में किया था, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2018 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,50,000 रुपीज। ये बच्चे गुड्स की कॉस्टिंग दी हुई है, क्लियर, गुड्स की कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,50,000 वर कंसाइंड बाय सन ऑफ हरियाणा टू हिज एजेंट मून। तो बच्चे सन यहां पर हो गया कंसाइनर और मून यहां पर हो गया कंसाइनी। सन एंड मून ये दो पार्टीज हैं, सन हरियाणा का है, मून लुधियाना का है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एट प्रोफॉर्मा इनवाइस प्राइस ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इनिशियली हमने क्वेश्चन कॉस्ट पर बेस किए थे कि जो गुड्स सेंट किए जाते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर बेस थी। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आ गए वो इनवाइस प्राइस पर बेस्ड आ गए। इनवाइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग, यानी कि उसमें प्रॉफिट या मार्जिन ऐड किया जाता है। तो प्रोफॉर्मा इनवाइस प्राइस पर भेजे गए जो 20% है कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे तो लोडिंग आ जाएगी या प्रॉफिट आ जाएगा। सन पेड इंश्योरेंस एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस ऑन कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू ₹25,004। सन ने इंश्योरेंस और अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए, कंसाइनर के एक्सपेंस बता दिए। मून वॉज अलाउड ₹3,000 बींग एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। मून ने ₹3,000 एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए पे किए। आगे कमीशन की बात कर दी, 4% कमीशन ग्रॉस सेल पे है, नॉर्मल कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन भी है यहाँ पे 3%। देख लेंगे क्या कोई बैड डेट्स का लॉस है, अगर कोई बैड डेट्स का लॉस है तो वो कंसाइनर बियर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन दी जा रही है। अगर बैड डेट लॉस नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डेल क्रेडिटर कमीशन तो देनी ही है, जो एग्रीमेंट हुआ वो देना पड़ेगा। मून मेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹3,500 एज लैंडिंग चार्जेस। मून ने ₹3,500 और खर्च किए लैंडिंग चार्जेस के। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 33.13% ऑन कॉस्ट। अब अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चे यूनिट्स गिवन नहीं है, सीधा प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं पहले जहां पर यूनिट्स गिवन नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेल वाला पॉइंट है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया यहां पर। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, ऐसी बात तो पहले भी हमने देखी है क्वेश्चंस में कि 3/4 गुड्स सेल हो रहे हैं, तो टोटल जो भी हमने भेजे हैं उसका 3/4 निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाता है कितना सेल हुआ। लेकिन हमेशा उसका अमाउंट दिया होता है कि 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड रुपीज 4 लाख 5 लाख 6 लाख, कुछ भी अमाउंट दिया होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर उसने अमाउंट नहीं दिया बट हिंट दे दिया उस अमाउंट को कैलकुलेट करने का। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 33.13% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसका मतलब बच्चे 1/3 है, 33 1/3% या फिर आप कह सकते हो 1/3, बात एक ही है, क्लियर। 33.33% इसकी बात कर रहा है कि इतना कॉस्ट पर आप कैलकुलेट कर लो वो प्रॉफिट आएगा, तो कॉस्ट पर इतना प्रॉफिट ऐड करके देन आगे सेल किया गया।
तो डायरेक्टली अमाउंट नहीं बताया सेल का, बट सेल का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। ठीक है, इस पर बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बीच में एग्जामिनर छोटा छोटा पॉइंट चेक करने के लिए या आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें डाल देगा कि बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट रुपीज इतना, तो डायरेक्टली रुपीज देने की बजाय मैं थोड़ा सा घुमा के बोल देता हूँ। बट ये तो बहुत ही जनरल चीजें होती हैं, हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ हमें ये आ जाती हैं। आगे बात कही, हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल, जितनी भी सेल हुई है उसका आधा क्रेडिट सेल है, आधा कैश सेल आधा क्रेडिट सेल। आगे बात करते हैं, क्रेडिट सेल से कुछ पैसा रिकवर नहीं हुआ, ऐसी कोई बात बोली नहीं। तो जरूरी नहीं है कि डेल क्रेडिट कमीशन क्वेश्चन में दी है तो बैड डेट्स होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डेल क्रेडिट कमीशन क्वेश्चन में दी है तो हमारे पास बैड डेट्स लॉस होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बैड डेट्स लॉस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कमीशन तो फिर भी देनी पड़ेगी। तो आगे बात कर दी, जो बैलेंस गुड्स बची, 3/4 गुड्स सेल हो गई तो बैलेंस क्या बचा होगा, 1/4, राइट। 3/4 अगर गुड्स सेल हो गई, 3/4 को आप 75% भी कह सकते हो। 3/4 गुड्स अगर सेल हो गए तो बच्चे 1/4 गुड्स बैलेंस रह गए होंगे, यानी कि 25%। क्लियर, उसके लिए बता रहे हैं 1/2 ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड्स, बैलेंस गुड्स का 1/2, इसकी बात कर रहे हैं, इसका 1/2, इसका आधा। 1/2 ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, बैलेंस गुड्स के आधे में आग लग गई, और उसके लिए हमने क्लेम लॉन्च किया 85,000 रुपीज का। 85,000 रुपीज का क्लेम लॉन्च किया, लेकिन फाइनली ये सेटल हुआ 10% डिस्काउंट पे, मतलब जो फाइनली पैसा मिला वो इसमें से 10% काट के मिला, 76,500 रुपीज फाइनली हमें मिल गए। तो क्लेम बच्चे लॉन्च कितने का हुआ ये मैटर नहीं करता है, फाइनली कितने रुपए मिले हैं ये मैटर करता है। क्लियर, तो आधे गुड्स में आग लग गई थी, उसने हमें बात बता दी, तो आधे गुड्स क्या होंगे, आधे गुड्स बचे होंगे एज अ स्टॉक। ये 1/2 ऑफ बैलेंस, यानी कि 1/2 ऑफ 1/4 की बात की जा रही है, 1/4 का हाफ 1/8 होता है। तो वही अगर मैं बात करूं स्टॉक की तो 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ 1/8 हो जाएगा। क्लियर, तो टोटल यहां पर हमने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया, समझ लिया क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा एंड द स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको बच्चे अबनॉर्मल लॉस भी कहा जाता है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो अबनॉर्मल लॉस है उसी को स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो यहां पर कंसाइनर की बुक में सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा, कंसाइनी अकाउंट नहीं मांगा, मांगा होता तो बना देते, और कंसाइनी की बुक में तो कुछ भी नहीं मांगा। क्लियर, तो ये दो अकाउंट हमें बनाने हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर 2018 को गुड्स भेजे गए हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड है तो इसलिए मुझे अपने पास एक छोटी सी इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा, और मुझे तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं, ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल जाए उसके बाद ही मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, इनमें से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा। अगर हम देखते हैं तो मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है बच्चे 8,50,000 रुपीज, इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी हैं, तो जितनी भी यूनिट्स होंगी टोटल वैल्यू बता दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमें
पर यूनिट बताओ या टोटल बताओ, हम तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। 8,50,000 रुपीज कॉस्ट है, इसको भेजा गया सन ने मून को परफॉर्मा इनवाइस प्राइस पे 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो अब यहां पर बताया 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट पर 20% लोडिंग हो जाएगी। 8,50,000 इसका 10%, 1,70,000 रुपीज इसमें लोडिंग आ गई। तो इनवाइस वैल्यू मेरे पास बन गई 170 प्लस 850, 10,20,000 रुपीज। बच्चे तीन वैल्यूज मुझे चाहिए होती हैं, ये तीन वैल्यूज क्वेश्चन में कई जगह यूज होती हैं। मुझे इनवाइस वैल्यू भी क्वेश्चन में चाहिए होगी, कॉस्ट भी चाहिए होगी और लोडिंग भी चाहिए होगी। क्लियर? तो मैं यहां से ले लूंगा। अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं और ये क्वेश्चन इनवाइस प्राइस का है। इनवाइस प्राइस है 10,20,000 रुपीज, 10,20,000 रुपये। तो सबसे पहले 1 दिसंबर 2018, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपने देखे होंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चंस में हम यही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इनवाइस वैल्यू पे हमें लेना है तो 10,20,000 रुपीज है, ये इनवाइस वैल्यू पर है, इसकी लोडिंग है, तो मुझे अपनी लोडिंग। अब क्या करेंगे बच्चे, सेम डेट को 1 दिसंबर 18 को जो लोडिंग है उसको रिवर्स कर देंगे। और लोडिंग को रिवर्स करने का तरीका, अपोजिट साइड पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो हमें लोडिंग रिवर्स करनी है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर हम लोडिंग को रिवर्स कर देंगे और लोडिंग हमारे पास है, ऊपर हमने कैलकुलेशन कर ली, 1,70,000 रुपीज, 1,70,000 रुपये। ऑटोमेटिकली बच्चे कॉस्ट यहां पर रिकॉर्ड हो चुकी है। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या बताया, सन पेड इंश्योरेंस एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस। सन ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए। सन कौन है? कंसाइनर है। तो कंसाइनर के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू कैश या बैंक। ये क्या है, कंसाइनर के एक्सपेंस। सी एक्सपेंस लिख दूंगा तो कंसाइनर कंसाइनी दोनों सेम हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अपने पास इसको डिटेल में लिख लेना, मैं छोटा सा एनओआर एक्सपेंस, एनओआर मतलब कंसाइनर की बात की जा रही है। क्लियर? ये कंसाइनर के एक्सपेंस है। कौन कौन से एक्सपेंस है कंसाइनर के, इंश्योरेंस एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस। इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 25,004 रुपये, 25,004 रुपीज के एक्सपेंस हैं जो कंसाइनर ने किए। आगे चलते हैं। मून वॉज अलाउड ₹3,000 बींग एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। मून ने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए ₹3,000 खर्च किए जिसको अलाउ कर दिया गया। अलाउ करने का मतलब सिंपल है, सन ने उसको रीइंबर्स करने हैं, सन उसको रीइंबर्स कर देगा। मून ने पूछा होगा यहाँ पे 3,000 का खर्चा करना है, तो उसको अलाउ कर दिया होगा सन ने, ठीक है आप ये कर दो। और उसके बाद आगे चल के मून का एक खर्चा और भी बताया, तो इसका भी ध्यान रखना है। समटाइम्स कुछ एक्सपेंस वो पहले बता दे क्वेश्चन में और कुछ एक्सपेंस लास्ट में जाकर बताए, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमने देखे हैं तो एक्सपेंस एक ही जगह दिए हुए थे, मोस्टली एक ही जगह दिए होंगे, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कुछ एक आधे एक्सपेंस के बारे में बाद में बता दी, तो आपको पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है कि ऐसा कहीं कुछ तो नहीं है कि लास्ट में कोई और एक्सपेंस बताया हो। तो मून ने लैंडिंग एक्सपेंस भी खर्च किए हैं ₹3,500, तो एस्टेब्लिशमेंट एंड लैंडिंग।
कंसाइनी टू मून अकाउंट। ये क्या है बच्चे, ये कंसाइनी के एक्सपेंस है। इसमें क्या क्या हो गया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड लैंडिंग एक्सपेंस। कितना कितना अमाउंट है, 3000 रुपीज, 3500 रुपीज। ये दो खर्चे मून ने किए हैं, टोटल 6500 रुपए के। आगे चलते हैं, आगे बात कमीशन को लेकर थी एक, कमीशन को भी निकाल लेंगे हम, कमीशन का भी हेड बना ही देते हैं। टू मून अकाउंट कमीशन, यहां पे कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद बात की है सेल की, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, 3/4 सेल हो गए हैं। सेल के लिए कंसाइनी से ही पैसा रिकवर करना होता है, तो बाय मून अकाउंट ये सेल्स हो गई है। और बताया था कि आधी कैश सेल है, आधी क्रेडिट सेल है। अदरवाइज क्वेश्चन में बच्चे हमें सीधा सेल का अमाउंट बता देता है कि कितना अमाउंट है। यहां पर सेल का अमाउंट बताने की बजाय आपको यह कह दिया कि जो सेल है वो कॉस्ट प्लस 33.33% कह लो या 1/3 कह लो, राइट। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मेरे पास है यहां पे, देखो टोटल कॉस्ट की बात की जाए, टोटल कॉस्ट तो है 8,50,000 रुपए, टोटल कॉस्ट 100% ऑफ द गुड्स की। लेकिन कितने गुड्स सेल हो रहे हैं, 3/4 सेल हो रहे हैं, क्लियर। 3/4 गुड्स सेल हो रहे हैं तो कॉस्ट भी मैं कितने की लूंगा, 3/4 की लूंगा। 8,50,000 रुपए इसका 3/4, ये आएगा 637,500। थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स जो सेल हुए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द गुड्स की कॉस्ट 637,500 और इसका 1/3 212,500। तो इसका मतलब जो टोटल सेल हुई है प्रॉफिट को ऐड करके वो बच्चे हुई है 850,000 रुपए की। 850,000 रुपए की टोटल सेल हुई है, जिसमें से हाफ आपकी कैश में है और हाफ आपकी क्रेडिट में है। 850,000 रुपए की टोटल सेल, और ये कैसे निकाला, 3/4 ऑफ द गुड्स सेल हुए हैं, कॉस्ट पर 1/3 प्रॉफिट ऐड करके। कॉस्ट मेरे पास टोटल 100% ऑफ द गुड्स की, टोटल कॉस्ट तो मेरे पास थी बच्चे 850,000 रुपए, लेकिन 850,000 सारे गुड्स नहीं बिके हैं, 75% गुड्स सेल हुए हैं। तो 850,000 का 75% या 3/4 अगर आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा 637,500। तो 637,500 की कॉस्ट के गुड्स हमने कॉस्ट में 1/3 प्रॉफिट ऐड करके उस पर बेचे, तो कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट निकाल लिया 212,500 और टोटल सेल आ गई 850,000 रुपये। अब ये कोइंसिडेंस है कि मेरी टोटल 100% गुड्स की कॉस्ट 850 है और मेरी सेल भी 850,000 की हुई है, लेकिन 100% गुड्स की नहीं, 75% गुड्स की। तो ये दोनों अमाउंट सेम आ गए, कोइंसिडेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा मत सोचना 850,000 की कॉस्ट के गुड्स 850 में बिक गई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, सारे गुड्स नहीं बिके, 75% ऑफ द गुड्स बिके हैं, अभी तो 25% गुड्स बचे हुए हैं और जो बिके हैं वो बिके हैं 850,000 रुपए में, क्लियर। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये 3/4 गुड्स जो हैं वो टोटल सेल हो चुके हैं,
थ्री फोर्थ बोल लो, 75% बोल लो, एक ही बात है। अब जो रिमेनिंग गुड्स हैं उसमें से हाफ, आधा जो है हमारा लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस। वन हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई थी, आग क्या है हमारा, अब नॉर्मल लॉस है। मैंने इसके लिए लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको आपको अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कितना ट्रांसफर होगा, बैलेंस गुड्स 1/4 है, इसका हाफ यानी कि 1/8, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सेम वर्किंग नोट से इसकी वैल्यू निकल जाती है। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर बैलेंस का आधा डिस्ट्रॉय हो गया फायर फायर में, तो बैलेंस का आधा बचा हुआ है, सिंपल है, क्लियर। तो 3/4 सेल हो गया, 1/8 अब नॉर्मल लॉस, 1/8 कंसाइनमेंट स्टॉक, सबको ऐड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। चलो अब हम कहां चल सकते हैं, अब हम एक बार कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे 33.33% है, तो उसको 33% क्यों ले रहे हो, कमीशन है, आप उसको दूसरे तरीके से 1/3 पूरा ले सकते हो, 33.33333333 करके देख लो, उसके बाद राउंड फिगर लो, परसेंटेज को राउंड फिगर मत बनाया करो, अमाउंट को राउंड फिगर बनाया करो। देखो समझो, अगर मेरे को किसी ने कहा आपको 14.5% प्रॉफिट देंगे, तो दो रास्ते हैं, सपोज कि 100 का या फिर 10,000 का, दो रास्ते हैं। एक तो है कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं, 14.5% को कहूं 15% है और मुझे 10,000 का 15%, 1500 रुपये दे दूं, क्लियर। या फिर जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज ही अप्लाई करूं 10,000 पे, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा, वैसे तो ये एग्जैक्ट अमाउंट 1450 रुपये आ जाएगा, तो 1450 ही लेना, 1500 क्यों लोगे। परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं करना बच्चे, अमाउंट को राउंड ऑफ करना है। परसेंटेज को राउंड ऑफ करके तो बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। यही अगर मुझे 10 लाख पे निकालना हो या 1 करोड़ पे निकालना हो, तो बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा। राउंड ऑफ सिर्फ 1 रुपीज को हम राउंड ऑफ करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, है ना, सिंपली। तो इसमें तो आप, अगर ये आपने 15% ले लिया, तो आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा ले गए, इतना थोड़ा ना 50 रुपये का राउंड ऑफ होना चाहिए, 1 रुपीज का राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट्स में पैसे आ गए। तो परसेंटेज को राउंड ऑफ मत करना, अमाउंट को राउंड ऑफ करना होता है बच्चे। चलो आगे चलते हैं, अब हम कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन की बात करें तो यहां पर दो कमीशन गिवन है, ओवरराइडिंग कमीशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ओवरराइडिंग कमीशन गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो छोटी सी एक्स्ट्रा वर्किंग करनी होती है, मैं अब वो वर्किंग नहीं करूंगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। जो मुझे एक्सेस सेल कैलकुलेट करनी होती है ना, यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरराइडिंग कमीशन मुझको नहीं निकालने को बोला। फर्स्ट था नॉर्मल कमीशन, और ये बच्चे 4% है ग्रॉस सेल का, 4% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, और 3% कमीशन है क्रेडिट सेल। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पर बोली गई है। अगर ये स्पेसिफिकली नहीं बोलता क्रेडिट सेल पर, तो मैं इसको भी टोटल सेल पर लेता, अगर ये मेरे को स्पेसिफिकली नहीं बताता। यहां इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया कि क्रेडिट सेल पर आपको लेना है, अगर आपको स्पेसिफिकली बता दिया तो आपको क्रेडिट सेल पर लेना है, क्लियर। तो अब मैं दोनों कमीशन को एक ही साथ कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पहली कमीशन 4% ग्रॉस सेल पर है, ग्रॉस सेल 8,50,000 रुपए है,
इसका 4%, और सेकंड जो डेल क्रेडर कमीशन है वो बच्चे क्रेडिट सेल पर है, और क्रेडिट सेल इसकी हाफ थी 4,25,000 रुपीज, और डेल क्रेडर कमीशन हमें दी है 3%। तो बच्चे ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास टोटल कमीशन आ जाएगी 8,50,000 का 4%, 34,000 रुपीज, और 4,25,000 का 3%, 12,750। टोटल कमीशन हमारे पास आ गई 46,750, 46,750 रुपये। क्लियर? तो एक काम तो मेरा हो गया, कमीशन मैंने कैलकुलेट कर ली। एक वर्किंग नोट और बनाना है, और उस वर्किंग नोट में मैं दोनों वैल्यूज, अब नॉर्मल लॉस की भी और कंसाइनमेंट स्टॉक की भी, दोनों ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जो वर्किंग नोट 2 है ये मुझे हेल्प करता है दोनों चीजें कैलकुलेट करने में, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस। क्लियर? सेम आपको फॉर्मेट बनाना है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन नहीं है, अगर क्वांटिटी दी है तो भी अच्छी बात है, नहीं दी है तो कोई जरूरत नहीं है, बिना क्वांटिटी के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ये आपको हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, गलती मत कर देना किसी भी क्वेश्चन में कि ये ऑलवेज कॉस्ट ही यहां पर आएगा, चाहे क्वेश्चन इनवाइस प्राइस पर बेस्ड ही क्यों ना हो, यहां पर हमेशा कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, सेंट कितने कॉस्ट के गुड्स भेजे गए, भेजे गए थे 8,50,000 रुपए के। मैं ये नहीं कह रहा कितनी कॉस्ट के गुड्स सेल हो गई हैं, कितनी कॉस्ट के गुड्स सेंट किए गए हैं, क्योंकि हमें कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, गोडाउन में जो स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना, फिर तो आप सेल पर, सेल को बेस लेकर चलोगे। जब आपको कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है तो कितने गुड्स भेजे गए उसकी क्या कॉस्ट थी उसको बेस लेकर चलोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, यहां पर एक्सपेंस ऐड कर दोगे, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, और कंसाइनी की हम सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही ऐड करते हैं। आप पूरा लिख लोगे एनआर को, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर के एक्सपेंस की बात करें 25,004 रुपए, 25,004, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी की बात करें बच्चे, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हमारे नॉन रिकरिंग नहीं होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं। बात आती है लैंडिंग एक्सपेंस, लैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं। लैंडिंग मतलब कि गुड्स जब आए होंगे एक तरह से एक जगह पर, जैसे हम कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, उसी तरीके से गुड्स वहां पर लैंड करवाने के, वहां से लाने के लिए जो खर्चा हुआ वो 3,500 रुपये का हुआ, तो 3,500 रुपये यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। अब अगर बात करें तो हमारे पास टोटल जो एक्सपेंस हो गए हैं, जब कंसाइनर के पास से गुड्स चले थे तो 8,50,000 रुपये के, और जब ये गुड्स हमारे कंसाइनी के पास पहुंच गए तो इसका खर्चा हुआ 878,504। अब ये गोडाउन तक पहुंच गए हैं, अब हम इस पर कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितना अबनॉर्मल लॉस है और कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। बात करें मिसलेनियस एक्सपेंस की, बच्चे मिसलेनियस जनरली जो मिसलेनियस एक्सपेंस वर्ड यूज किया जाता है कि ऑफिस को लेकर छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेंस होते रहते हैं जिनको हम स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं देते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ये रिफ्रेशमेंट के लिए हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए हो गया,
प्रोफेशनल या लीगल एक्सपेंस, कुछ प्रोफेशनल या लीगल कंसल्टेंसी ली होगी, सर्विसेज ली होगी, उसका हो गया। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, व्हीकल को चलाने के लिए मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लगा उसका स्पेसिफिक हो गया। तो कुछ एक्सपेंस हमारे रूटीन नेचर के बार बार होते रहते हैं और ठीक ठाक अमाउंट के होते हैं, तो हम उसको उस एक्सपेंस का नाम दे देते हैं। लेकिन किसी भी ऑफिस में छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, सबके लिए इंडिविजुअली लेजर क्रिएट करना सही नहीं है। जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर का एक्सपेंस है, अब बहुत ही कम अमाउंट का एक्सपेंस है, या फिर ऑफिस के अंदर हमने खुद ही चाय बनाते हैं, कभी चीनी लेके आए, कभी चाय पत्ती लेकर आए, कभी दूध लेकर आए, तो इन सब का सेपरेट अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से हेड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। मतलब इसमें बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंस आ जाते हैं, ये कोई एक एक्सपेंस नहीं है, इसमें ऑफिस के छोटे मोटे कई सारे एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो यहां पर मिसलेनियस एक्सपेंस आपको नॉन रिकरिंग नहीं लेना है, ये ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं लेना है। जैसे कि आपको कोई स्पीड पोस्ट करना पड़ा 20 रुपए का, कुरियर करना पड़ा 20 रुपए का, क्लियर। अभी छोटे मोटे खर्चे हैं, सबके अलग अलग आप हेड बनाओ पॉसिबल नहीं है। इट डिपेंड्स बिजनेस टू बिजनेस, जो भी रूटीन नेचर के ज़्यादा अमाउंट के खर्चे होते हैं हम उसका हेड बना लेते हैं, और जो हमें लगता है कि ये तो छोटे मोटे खर्चे हैं इनका सेपरेट हेड नहीं बनाना चाहिए, तो हम उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो 878504, अब हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं अब नॉर्मल लॉस की। वैल्यू कह लो या हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा, ऑलवेज कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा। इसमें आपको लोडिंग ऐड करके प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है। लॉस हो गया, गुड्स खत्म हो गए हैं, जल गए हैं, उस पर प्रॉफिट रखना की बात करना ही बेकार है। तो 878504 इसका बच्चे 1.1/8, 109813, ये मेरे को अब नॉर्मल लॉस हो गया। दूसरा हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो एक ही वर्किंग नोट से दोनों काम हो गए, ये भी कितना था 18 था। कैलकुलेट करोगे अगेन यही वैल्यू आएगी, 878504 का फिर से मेरे को 18 कैलकुलेट करना है, यही वैल्यू आएगी। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में आपको लोडिंग ऐड करके दिखानी है, अगर लोडिंग वाला क्वेश्चन है, इनवाइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो लोडिंग ऐड करके दिखानी है। कितनी लोडिंग 18 किसकी, टोटल की। टोटल लोडिंग है बच्चे 1,70,000, तो 1,70,000 का 18, तो यहां हमारे पास लोडिंग आ जाएगी 21250। और मेरे पास अगर मैं स्टॉक की वैल्यू बोलूं इंक्लूडिंग लोडिंग 131063। तो सेम वर्किंग नोट से मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली इंक्लूडिंग लोडिंग, और ये ध्यान रखना है कि ये लोडिंग रिवर्स होगी 21250, और 109813 ये मैंने निकाल लिया अब नॉर्मल लॉस। तो दोनों को मैं लिख लेता हूं 109813 ये मेरा अब नॉर्मल लॉस है, और 131063 ये बच्चे मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ गई। कंसाइनमेंट स्टॉक में लोडिंग ऐड है, तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और ये लोडिंग है ऑन स्टॉक 21250। क्लियर हो गया।
तो ये सब चीजें हमने यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक में रिकॉर्ड कर ली जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन था। एक बार नजर मार लेते हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया। गुड्स भेजे थे 20% प्रॉफिट पे, वो रिकॉर्ड कर लिए। सन के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, मून के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। कमीशन 4% एंड 3% रिकॉर्ड कर ली। 3/4 गुड्स सेल हुए थे रिकॉर्ड कर लिए। आधे में आग लग गई थी, आधा बचा हुआ था। इंश्योरेंस कमीशन आ गई थी, वो तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगी। क्लियर? तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने पास प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं कौन सी साइड मेरे पास शॉर्ट है, वहां पर मुझे बैलेंस लिखना होगा। 8,50,000, 1,70,000, 109,813 प्लस 131,063, 12,60,876। ये बच्चे मेरे पास क्रेडिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड के टोटल की बात करें एक बार करके देख लेते हैं। 10,20,000 प्लस 25,004 प्लस 6,500 रुपये प्लस 46,750 प्लस 21,250, 11,19,504। क्रेडिट साइड का टोटल ही एक्सीड करता है, तो दोनों साइड पे हम क्रेडिट साइड वाला टोटल लिख देंगे 12,60,876। और जो डिफरेंस है वो हमारा बच्चे प्रॉफिट हो जाएगा 1,41,372। टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। एक तो हमसे ये अकाउंट मांगा था कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बना दिया। और एक क्वेश्चन में हमसे उसने मांगा था कंसाइनी अकाउंट, इस क्वेश्चन में नहीं मांगा। दूसरा हमसे मांगा था जो स्टॉक लॉस हुआ कंसाइनमेंट पर, स्टॉक लॉस को हम बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एक हमसे ये मांगा था तो हम इसको भी बना लेते हैं अपने पास अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अगर हम इसकी बात करें तो क्या करेंगे, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया है इसको हम ले आएंगे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में। यही तो हमने ट्रांसफर किया था, क्योंकि यहां पर अब नॉर्मल लॉस बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाता है बट मुझे अब नॉर्मल लॉस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ट्रांसफर कर दिया सेपरेट अकाउंट में अपोजिट साइड पे लिख के। ठीक है, क्योंकि ये कहां पर इंक्लूड था, ये हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां पर बैठा हुआ था 10,20,000 रुपये में, इसको मैंने हटा दिया 1,09,813। टू कंसाइनमेंट अकाउंट एक लाख नौ हजार 813 रुपये, ये क्या था जो मेरे को लॉस हुआ था आग लगने पर, ये लॉस हुआ था। देख लेंगे अगर कोई इंश्योरेंस मिल गया तो रिसीव कर लेंगे, नहीं मिला तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर कुछ इंश्योरेंस हमें मिल गया था, 85,000 लॉस किया था लेकिन हमें 76,500 रिसीव हो गया था, तो इतना अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं बाय कैश या बैंक। सेटल हो गया तो ये पैसा ले लेंगे, सेटल नहीं हुआ अप्रूव हुआ है तो बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख देंगे 76,500 रुपये बाय बैलेंस नहीं, इसको रिमेनिंग जो है वो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे हमारे मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट में हमने इसको शो नहीं किया, सेपरेट अकाउंट बना के हमने इसको तो किया है, ये ट्रांसफर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर 109,813 माइनस 76,500 33,313, ये दो अकाउंट ही हमसे इस क्वेश्चन में मांगे थे।
और ये दोनों अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिए। तो स्क्रीन पे आपको दोनों अकाउंट और हमारे जो वर्किंग नोट्स हैं वो आपको विजिबल होंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, जो अबनॉर्मल लॉस पर बेस्ड था। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अबनॉर्मल लॉस में ही एक और कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने जो अबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन किए ना, वो अबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन पे हो रहा था। स्टोलन, चोरी हुआ कहां से? कंसाइनी के गोडाउन से। आग लगी कहां पर? कंसाइनी के गोडाउन में। वहां तक गुड्स पहुंच गए और वहां पे जाके लॉस हो गया। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे अबनॉर्मल लॉस का ही, अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, रस्ते में। रस्ते में भी तो आग लग सकती है, रस्ते में भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, रस्ते में गुड्स हैं वहां भी तो चोरी हो सकती है। क्लियर। तो वो हम टॉपिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।